गैस एजेंसी के मुनीम को गोली मारकर 4.5 लाख रुपए की लूट करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ लिया है। ये शातिर लुटेरे इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ग्वालियर में एक एनकाउंटर के दौरान दो लुटेरे पुलिस के हाथ लगे। इन लुटेरों ने गैस एजेंसी के मुनीम के साथ पिछले दिनों लूट कर उसे गोली मार दी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी बड़गांव और बिजौली के बीच से गुजरेंगे। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और जालौन निवासी नवीन शर्मा और धर्मेंद्र राणा को पकड़ने की कोशिश की तो मुठभेड़ हो गई। एक आरोपी के घुटने में गोली लगी। उनके पकड़े जाने के बाद उनके द्वारा की गई तीन बड़ी वारदातों का खुलासा हुआ है। इन बदमाशों ने एक टोल कर्मचारी से 24,20,000 रुपए लूटे थे। शिवपुरी लिंक रोड पर कैश वैन के गार्ड की हत्या कर 8,29,000 रुपए की लूट भी इन लोगों ने की थी। इसी के साथ इन्होंने एक ऐसी और वारदात को भी अंजाम दिया है। गैस एजेंसी के मुनीम से तीन बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था और उन पर फायर भी किया था, लूट आई थी। इसके चलते हमारी टीमें लगातार तत्पर प्रयास कर रही थी और कल जब हमारी टीमों को काफ़ी स्तर पर उन्होंने होमवर्क किया और जानकारी मिली कि उसमें एक आरोपी धर्मेंद्र है, टीम ने तत्काल उसको राउंड अप किया। एक टीम से एक बदमाश का सामना हुआ, टीम ने बदमाश को रोकने का प्रयास किया तो उसने तत्काल फायर शुरू कर दिया हमारे लोगों पर। बदले में हमारी टीम ने भी आत्मरक्षा में फायर किए। बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसका इलाज जारी है। इन लुटेरों ने 23 अक्टूबर के दिन बैंक के अंदर घुसकर पीतांबरा गैस एजेंसी के मुनीम को गोली मारकर 4.5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया था। वारदात सिटी सेंटर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई थी। महज 30 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम देकर ये पिस्टल हवा में लहराते हुए पुलिस की डायल 100 के सामने से निकल गए थे। घटना के समय बैंक के गेट पर कोई गार्ड नहीं था। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।